हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अपनी परीक्षा। मेरा नाम है दिशा, कैसे हो आप सभी? सो गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट मोस्ट अवेटेड वीडियो आप लोगों के सामने हाजिर है। सॉरी लेट हो गया, ठीक है। जब मैंने टेलीग्राम पे आप लोगों को मैसेज करा था ना, तब मैंने रिस्पॉन्सेज फाइनली बंद कर दिए थे, ठीक है। तो उस वक्त हमारे पास 1800 कुछ रिस्पॉन्सेज हुए थे, ठीक है। मैं थोड़ी देर और ओपन रखती तो मे बी 1900 भी पहुंच जाते, बट प्रॉब्लम ये थी कि फिर मुझे भी काम करना था और थोड़ा टाइम लग जाता है, ठीक है। और इस बार जो चीज़ें हैं वो एक्सपेक्टेशन से बाहर जाएंगी। आप जानते हो कि इस बार का स्किल 2.5 महीने में है ना। तो भी आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं आपको एक लॉजिकल तरीके से ही समझा पाऊँ, ठीक है, कि आपकी कट ऑफ कैसे वेरी कर सकती है और इसका रिलेशन इस बार हम किस किस चीज़ पे करेंगे, ठीक है। कौन सी हार्डेस्ट शिफ्ट है, कौन सी ईजीएस्ट शिफ्ट है मेरे डेटा के अकॉर्डिंग, ठीक है। मैं बाकियों का नहीं बता सकती हूँ, एंड आप फुल्ली स्वतंत्र हो कि आप बाकियों का भी एनालिसिस देखो और जो आपको बेस्ट लगे आप उसको फॉलो करो। मैं कभी ये नहीं कहूँगी कि मेरा बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा, ठीक है। हो सकता है कि 4-5 नंबर ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन मैं यही बोल सकती हूँ कि अगर आप इसके आसपास भी रेंज में, पहले ही एक आपको डिस्क्लेमर दे रही हूँ, अगर आप जो मेरा डेटा है उसके आसपास भी जा रहे हो तो मेक श्योर, अगर आपको स्टेनो आता है, मतलब स्किल आता है सॉरी, तो आप लोग जरूर 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 अच्छे से करो। देखो मैं आपको एक चीज समझा देती हूँ जो बाकी टीचर्स मे भी आपको ना समझा पाए, कि स्किल जो है ना ये एक आर्ट है। आपको इसको सीखने में डेफिनेटली टाइम लगेगा, लेकिन जिसको इस टाइम पे स्किल आता है वो डेफिनेटली बहुत अच्छा कर सकता है। और जो बच्चे बार बार पूछ रहे हैं ना कि मैम हमारे इतने नंबर है, मैम हमारे इतने नंबर है, हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपके करने में कोई बुराई नहीं है। जैसे मेरे पास दो स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कहा कि हमारी स्पीड 140 से भी ऊपर है, लेकिन हमारे थोड़े मार्क्स कम है। तो मेरे हिसाब से कोई गलती नहीं कर रहे हैं अगर वो 2 घंटे रोज डिवोट भी कर दे तो, क्योंकि जिसकी 140 प्लस की स्पीड है स्टेनो के अंदर, जो पार्लियामेंट की स्पीड मांगते हैं, तो वो तो ग्रेड सी और ग्रेड ए निकाल ही देगा या देगी जो भी है। लेकिन अगर आप उसको बहुत ही लाइटली ले लोगे ना कि मेरी तो 140 की है ही, मैं तो कर ही लूंगा या लूंगी, तो वो थोड़ा सा डेंजर सिचुएशन है। आप भी ये बात अच्छे से जानते हो कि इन 2.5 महीनों में स्किल सीखना नामुमकिन है। नए तरीके से अब कोई भी बच्चा, यहां पे मैं कहती हूं, मैं चैलेंज कर रही हूं भाई, कि आप लोगों में से ऐसे बच्चे जिन्हें स्किल आता है ना, जिन्हें स्किल आता है, उसके अलावा जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाई करने वाले प्रतिशत निल ही होगी, 0.5% ही ले लेते हैं, वो भी चमत्कार होगा जिन्होंने पहले बहुत पहले सीख रखी हो अब बिल्कुल छोड़ दी हो, है ना। जो इस बार करेंटली अभी स्टेनो सीख ही रहे हैं, ठीक है, जैसे जिनकी स्पीड मान लो 60 है, 70 है, 80 है, 90 है, ये तो कर जाएंगे इस पेपर को आराम से। लेकिन जिनकी बुक जो है, मान लो रामधारी बुक है या पिटमैन बुक है, ये आपकी कंप्लीट ही नहीं हुई है या आपने छुई भी नहीं है, तब तो इम्पॉसिबल केस है इस चीज को करना। एक बार हम लोग वैकेंसीज का ट्रेंड देखेंगे, ठीक है, क्योंकि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है हम लोगों के लिए जानना। देखो 2018 में 1464 वैकेंसीज थी, 2020 में लास्ट आते आते 763 वैकेंसीज थी, ठीक है, 2019 में 499 वैकेंसीज थी। इसको कंसिडर करना बेकार है, कोई डेटा काम का नहीं है क्योंकि इसमें अलग तरीके से चीजें चली है। 2022 में अभी तक जो DOPT ने रिपोर्ट करी है, ठीक है, अभी SSC ने रिपोर्ट नहीं करी है, ये 2143 है वैकेंसी, सॉरी, ठीक है। इसमें ग्रेड सी और एक आपका बनता है ग्रेड डी, इसकी अभी वैकेंसीज नहीं बताई गई है। लेकिन मैंने ना आप लोगों के लिए पहले बहुत सारी RTI रिप्लाई डाली थी, तो जिसमें मेरे को 1550 वैकेंसीज तक का तो पता था, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हो, आपको मिल जाएगी। RTI रिप्लाई बहुत सारी डाली थी, आप डाल सकते हो SSC स्टेनो RTI रिप्लाई अपनी परीक्षा, वो आ जाएंगी सारी वीडियोस जो है, उससे आपको काफी अच्छा जो है वो एनालिसिस मिल जाएगा कि कितनी है। शिफ्ट में रिस्पॉन्सेज मैंने आपको बताया थे कि 1800 से ऊपर थे, अगर मैं 10 मिनट और वेट करती तो मे बी ये बन जाते, लेकिन बात इतनी सी थी कि मेरे को करना नहीं था उस वक्त, क्योंकि मुझे भी बहुत सारे काम थे तो मुझे इस चीज को ठीक से लेकर चलना था, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 18 मेरे हिसाब से डेटा बहुत अच्छा आया है। पिछली बार मेरे पास 1700 कुछ डेटा था, ठीक है, इस बार ज्यादा ही आया, थैंक यू सो मच। सबसे कम जो बच्चे हैं वो मेरे पास है 17 की फर्स्ट शिफ्ट के, और जो सबसे ज्यादा बच्चे हैं वो है मेरे पास 18 की सेकेंड शिफ्ट के। ऐसा नहीं है 2-4 नंबर से ही डेटा वेरी कर रहा होगा, लेकिन मैं दूसरी चीज समझा दूं आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चों ने पार्टिसिपेट नहीं करा है, बच्चों ने पार्टिसिपेट करा है, जितना डेटा चाहिए था उतना मिल चुका है।
इस बार आप लोगों के लिए मैंने OH और VH कैटेगरी को भी कंसिडरेशन में ले लिया है, क्योंकि बहुत ज्यादा बच्चे मेरे से नाराज हो जाते हैं हर वक्त कि आप ST तक का कैटेगरी का लेते हो, आप UR बताते हो, EWS बताते हो, OBC बताते हो, SC ST बताते हो, बाकी क्यों नहीं बताते हो? देख रहे हो, मैं कुछ भी कर लूं, कितना भी कर लूं, गलत कुछ ना कुछ भरना ही है बच्चों ने, ये तो फैक्ट है, कुछ नहीं कर सकते हम इसका। OH और VH मैं प्रिडिक्ट कर दूंगी, और बाकी अगर आपके उससे थोड़े कम भी रहे तो आप तैयारी बिल्कुल करें, बिकॉज OH VH में चांसेस ज्यादा हाई होते हैं कि ये जो बच्चे हैं ये सीट ले जाएं, ठीक है? ऐसी बात नहीं है। अब बात करते हैं मार्क्स मार्क्स की, ठीक है? मार्क्स हम देखेंगे कि मार्क्स जो है कितने बने हैं हमारे इसमें। देखो, लेस देन 100 जो है ये 9.4% है, ठीक है? 100 to 110 जो है वो 10.9% है। सबसे ज्यादा जो डेटा है वो 25.3, 130 to 140 के बच्चों का सबसे ज्यादा डेटा जो है मैंने कलेक्ट करा है, और 120 to 130 का डेटा जो है वो सेकंड नंबर पे आता है, ठीक है? उसके अलावा भी आप सारे देख सकते हो, पाई चार्ट के फॉर्म में मैंने आपको दिखा दिया है, ठीक है? ताकि आपको बिल्कुल भी दिक्कत ना आए। आप लोग इस बात को समझो कि 150, ये जो ये वाला रेशियो है ना, 150 से लेके 160 प्लस जितने भी हैं, ये काफी कम है, और काफी कम बच्चे हैं जिनके ये नंबर आए हैं वो टॉपर्स ही हैं डेफिनेटली। और दो टॉपर्स से मेरी बात हुई है, ठीक है? तो उनका जो स्कोर है, एक का 158 है और एक का जो है वो 166 है, और ये तो मैंने वेरीफाई कर लिया था, बट मैंने डाला नहीं क्योंकि वो कोई काम का नहीं, और जिसको जिसके मार्क्स पता है उसको पता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, ठीक है? अब बात करते हैं हार्डेस्ट टू इजीएस्ट शिफ्ट की, जो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे डेटा के अकॉर्डिंग ये है। 17th की फर्स्ट शिफ्ट टफ रही है सबसे ज्यादा। इसका रीजन यही है कि फर्स्ट डे फर्स्ट शो चलता है, तो पता नहीं चलता है वहां पे क्या होगा, लेकिन 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 इस बार नॉर्मलाइजेशन ज्यादा नहीं होगा, बिकॉज मेरा डेटा जो कहता है, मेरा डेटा जो काम कर रहा है वो 123 से लेके 126 पे ही कर रहा है, ठीक है? इनफैक्ट जब मैं पहले कर रही थी ना, जैसे अभी तो 1800 रिस्पॉन्स आए थे, जब मैं 1000 पे एक बार लेके बैठी थी इसको, तभी डेटा तो बहुत ही कम जा रहा था, लाइक 106 110 पे भी जा रहा था, ठीक है? मे भी उसके बाद अच्छे बच्चों ने फॉर्म भरा हो, कुछ भी हो सकता है, ठीक है? तो 17th की फर्स्ट शिफ्ट मेरे अकॉर्डिंग, मतलब मेरे डेटा के अकॉर्डिंग टफ है, और मे भी इसका जो नंबर होगा नॉर्मलाइजेशन का वो 4 to 5 रहे, ठीक है? यह हमने डाल भी दिया। 18th की फर्स्ट शिफ्ट जो इसके बाद की टफ रही है, ठीक है, मे बी क्वेश्चन थोड़े टफ आए हो, तो इसमें भी आप लोगों के चांसेस है कि 4 to 5 नंबर बढ़ जाएंगे। 18th की थर्ड शिफ्ट उसके बाद आती है यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर आप लोगों के 4 नंबर तक बढ़ सकते हैं। 17th की सेकेंड शिफ्ट जो है उसके बाद टफ रही है, तो इसमें आपके 3 नंबर तक बढ़ सकते हैं। और 17th की थर्ड शिफ्ट जो उसके बाद रही है, इसमें भी 0 to 2 रहेंगे, और इसमें भी 0 to 2 रहेंगे। देखो, चांसेस तो बहुत ही कम है कि किसी के नंबर नेगेटिव में जाए, डोंट वरी, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? इस बार जो पेपर है वो इवनली तरीके से पूछा गया है, और लेकिन जो चीज हम हमेशा भूल जाते हैं वो होता है एवरेज। GS का एवरेज बहुत ही कम आया है, बिकॉज आई थिंक बच्चे नहीं कर पाएंगे एवरेज भी अटेम्प्ट ठीक से, क्योंकि जो टॉपर है ना उनके मार्क्स जो मैंने देखे थे वो 26.25 थे, बिल्कुल ठीक से याद नहीं आ रहा, GS का बता रही हूँ। रीजनिंग में आई गेस उनके 42 समथिंग थे, ठीक है? उनके इंग्लिश में काफी अच्छे थे, 90 प्लस ही थे, ठीक है? तो मैं GS का बताना चाहूंगी कि GS में जो एवरेज गया है मेरे अकॉर्डिंग, ठीक है, वो वन मतलब डेटा के अकॉर्डिंग वो 13.46 गया है, रीजनिंग में 39.76 गया है, ठीक है, और इंग्लिश में स्कोर जो है वो 71.7 गया है। मैं ओवरऑल बता रही हूँ, ओवरऑल मतलब सारी शिफ्ट का मिला के मैं आपको बता रही हूँ कि एक बच्चे का एवरेज जो है वो सारे बच्चों का मतलब मिला के वो कितना रहा है। अब हम रॉन्ग क्वेश्चंस भी देखेंगे, बिकॉज रॉन्ग क्वेश्चंस बहुत इंपैक्ट डालने वाले हैं, क्योंकि इस बार प्रीवियस ईयर के मुकाबले ज्यादा रॉन्ग क्वेश्चंस जो हैं वो डाले गए हैं पेपर में, एंड वो इंपैक्ट करेंगे। मान लो आपकी शिफ्ट में 3 से 4 क्वेश्चन गलत है और आपका स्कोर 132 है, तो आप प्लस 4 भी तो करोगे, 136 हो गया, तो आप इंट्रेस हो गए तुरंत। तो ये बातें बहुत मैटर करती है, छोटी छोटी बातें। अभी तक तो मेरे जानने में 17th की फर्स्ट शिफ्ट से कोई रॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आए हैं। हाँ, 17th की सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस रॉन्ग है, आप उन्हें देख लेना। मैंने टेलीग्राम पे चैट ऑप्शन ऑन कर दिया है कुछ दिन के लिए, ताकि आप लोग वहां पे डिस्कस कर सके, सॉरी डिस्कस करके खुद चैलेंज कर सको। चैलेंज आप खुद ही करोगे, प्लीज इस चीज का ध्यान रखना। 17th की थर्ड शिफ्ट में भी 2 क्वेश्चंस गलत मिले हैं। 18th की फर्स्ट शिफ्ट में 3 क्वेश्चंस अभी तक मेरे को दिखे हैं, जो मैंने देखे हैं, ठीक है? 18th की सेकंड शिफ्ट में 2 क्वेश्चंस बच्चे बता रहे हैं, और 18th की थर्ड शिफ्ट में
तीन से चार क्वेश्चंस रॉन्ग हैं, और कुछ क्वेश्चन कुछ नहीं, इनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस मैंने खुद वैलिडेट कर दिए हैं कि हाँ ये गलत हैं, तो आप लोग चैलेंज कर सकते हो। अगर इसके अलावा भी कोई है तो आप अपनी परीक्षा के मतलब भाई चैनल पे भेज देना, वहाँ पे बच्चे चेक कर लेंगे, वो आपस में भी बहुत हेल्पफुल हैं, एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, चैलेंज करना भी सिखा रहे हैं। और जिसने एक ने चैलेंज कर दिया है, देखो चैलेंज करने का क्या होता है कि मान लो आपका कोई क्वेश्चन गलत है और आपने चैलेंज करा है, तो अगर वो ठीक निकला आपका चैलेंज करा हुआ क्वेश्चन और एसएससी का गलत निकला, तो वो जो एक नंबर है जिन्होंने अटेम्प्ट किया सबको मिलेगा, जिसने अटेम्प्ट नहीं करा है उसको कभी आंसर का जो सॉरी क्वेश्चन जो गलत है उसका आंसर का नंबर नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने अटेम्प्ट नहीं करा है। और एक भी अगर उसको वो कर दें चैलेंज, तो डेफिनेटली ये कि सारे बच्चे जिन्होंने अटेम्प्ट करा है उनको नंबर मिल जाता है। इसलिए ध्यान रखना, कहीं ऐसा ना हो उसके चैलेंज करने के चक्कर में आप ना करो और वो रह जाए, ध्यान रखना ठीक है। यहाँ पे दूसरी चीज, 2018 का डेटा देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक मैंने आपको जब वो दिखाई थी वैकेंसीज, तो उसमें हाईएस्ट वैकेंसी जो थी वो 2018 की रही थी, 1400 समथिंग ठीक है, और उसके बाद जो है अभी 22 की वैकेंसी है 2100 समथिंग ठीक है। और अभी एसएससी ने वैकेंसीज नहीं बताई है, और अभी बहुत खेल बाकी है जो मैं आपको बताने वाली हूँ, इसलिए स्टे ट्यून्ड। अब देखो यूआर की जो कट ऑफ गई थी, मैं फाइनल बता रही हूँ, 143.5, ओबीसी की 139, एससी की 132, एसटी की 111, और ये आप देख सकते हो किसके लिए, ग्रेड सॉरी सी के लिए ठीक है, ये सी की है और ये डी की है। अब यहाँ पे एसटी की डेफिनेटली जो है ये एक नंबर कम यहाँ पे सॉरी ज्यादा क्यों गई, इसका रीजन है वैकेंसीज कम होंगी ठीक है। दूसरी बात, अब मुझे एक चीज और आप लोगों को समझानी है, क्या कि यहाँ पे आपका 2018 का जो स्किल टेस्ट है वो अप्रोक्सीमेटली 9 to 10 months बाद हुआ था, 2019 का भी अक्टूबर में हुआ था, तो 9 months लगा लो, और 2020 का जनवरी हो गया आप लोगों का पूरा, सॉरी आंसर क्या आई थी नवंबर में, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, तो यहां पे आप लगा लो 7 months ठीक है। लेकिन इस बार जो आपका रिजल्ट आएगा, मान लो आपका रिजल्ट आता है दिसंबर में ठीक है, तो आपको मात्र 1.5 months दिए जा रहे हैं, क्योंकि फरवरी की 15 और 16 तारीख को स्किल है और ये पोस्टपोन नहीं होगा जिस हिसाब से एसएससी चल रहा है ठीक है। तो इस बार का जो कट ऑफ है वो सबसे ज्यादा डिप करेगी, सबसे ज्यादा, मैं आपको ये बात गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि जिनकी स्पीड अभी भी मैं कह रही हूँ 50-60 भी है, वो जी तोड़ मेहनत करो और ग्रेड डी लेकर जाओ, बिकॉज इस बार जो बच्चे क्रिब करते थे ना कि जिन बच्चों को स्टेनो नहीं आती वो भी आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो सीट ले जाते हैं क्योंकि वो सीख लेते हैं ग्रेड डी तक, तो गाइज देखो इस बार भगवान ने आपके लिए ही सीट्स बनाई है, ये 2100 सीट्स, एक तो इतिहास में सबसे ज्यादा सीट्स इस बार आई है ठीक है, पिछले 5 से 6 सालों के बीच में, उसमें भी अगर आप सीट ना ले जा पाओ तो वो आपकी गलती है, अगर आपको स्टेनो आती है और आपके नंबर थोड़े भी कम है, इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी नहीं डायमंड अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के लिए, और इस बार आपको सीट लेके जानी ही है। अब हम देखेंगे कि ये आपकी क्या गई थी, 2018 की डेटा मैं दिखा रही हूँ आपको, ये प्री का ओके, ये प्री का डेटा है जिसमें जो कट ऑफ गई थी यूआर की 138, ओबीसी की 133 और बाकी भी आप देख सकते हो, और ग्रेड डी के लिए 134 और 130। सुनो मेरी बात, अब यहां पे ना एसएससी दो खेल खेल सकता है, जो मैं आपको समझा देती हूँ क्या, एक ऐसा हो सकता है कि प्री की जो कट ऑफ है उसे थोड़ा हाई रख के फाइनल में बहुत ही कम मार्जिन, लाइक 5 to 9 मार्जिन के बीच में ही कट ऑफ निकाल दी जाए फाइनल। दूसरी ये हो सकता है कि प्री की कट ऑफ को थोड़ा कम करके ज्यादा फाइनल में निकाला जाए, इसको एक्सपेक्टेड 10 से 15 नंबर पे, आप मेरी बात को समझ रहे हो, मान लो प्री की कट ऑफ एग्जाम्पल ले रही हूँ 122 चली गई और लास्ट में जो कट ऑफ है वो 130 चली गई फाइनल, और ऐसा भी हो सकता है कि इस बार कट ऑफ चले जाए 110 और बाद में चले जाए 130, ये दोनों केस पॉसिबल है, लेकिन जिसके चांसेस ज्यादा हैं वो ये है कि इस बार कट ऑफ जाएगी कम, क्यों, क्योंकि इस बार वैकेंसीज पिछली बार के मुकाबले 3 गुना है ठीक है। अब इसके बाद 2020 का डेटा है जिसके अंदर आप लोगों की 700 समथिंग वैकेंसीज थी राइट। अब हम देखेंगे ग्रेड सी के लिए, तो यूआर की कट ऑफ 146 गई थी ठीक है, और ग्रेड डी में जो गई थी वो गई थी 131 ओके। और मैं आपको ये बता दूं कि ग्रेड डी की मिनिमम कट ऑफ जो आपकी 2020 में गई थी वो यूआर से गई थी 151, ओबीसी से गई थी 150, ईडब्ल्यू से गई थी 143, एससी से गई थी 141 और एससी से गई थी 130। मैंने आपको जो कट ऑफ बताई थी वो 148 बताई थी, और उसके बाद जो ये कट ऑफ है ये कितने से बढ़ गई है, +3 से। क्यों बढ़ी है, क्योंकि वैकेंसीज लास्ट में आके कम हो गई थी ठीक है, 148 एक्यूरेट कट ऑफ थी, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि आपकी वैकेंसी थोड़ी कम हो गई थी, इसकी वजह से 3 नंबर जो है कट ऑफ बढ़ गई थी ठीक है। इसके बाद बाकी भी अप्रोक्सीमेटली यही रेंज में थी, ग्रेड सी की जो मिनिमम कट ऑफ यूआर की गई है आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की गई थी ठीक है,
ये गई थी 159, ओबीसी की गई थी 155, एंड एससी की गई थी 149, एसटी की गई थी 131, एंड ईडब्ल्यूएस की गई थी 151। आप देख सकते हो जो बच्चे ईडब्ल्यूएस से हैं इनकी प्री की कट ऑफ बहुत कम जाती है, बट लास्ट में आते आते बैलेंस आउट हो जाता है एसएससी के थ्रू। ठीक है, तो आप इस चीज को बिल्कुल भी ये ना ले कि ईडब्ल्यूएस वालों की मौज है, कोई मौज किसी की भी यहाँ पर नहीं है। तो गाइज, अब उससे पहले अगर आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टेस्ट बुक के मॉक टेस्ट लेना चाहते हो, तो आप जो है ले सकते हो और यूज कर सकते हो कोड जो है XCL B6R। आप ये कोड यूज कर सकते हो और आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा। सो गाइस देखो, जो कट ऑफ अब मैं बताने वाली हूँ ये सुन लो, पहले मैं आप लोगों की प्री की कट ऑफ बताऊंगी। ठीक है, प्री की कट ऑफ जो है, प्री की कट ऑफ जो है 2022 स्टेनो की ग्रेड डी की अप्रोक्सीमेटली मेरे हिसाब से, ठीक है, कमी जाएगी। और कम कितनी जाएगी, यूआर की 110 से लेके 115 तक ही जाएगी। मैं प्री की बता रही हूँ, फाइनल नहीं बता रही हूँ, पहले सुन लो ध्यान से। ओबीसी की 105 टू 110 के बीच में रहेगी, ईडब्ल्यूएस के 75 से 82 के बीच में रहेगी, एससी की 85 से 92 के बीच में रहेगी, एसटी की तो 72-75 रहेगी, और ओएच एंड वीएच को भी मैंने इंक्लूड करा है 50 से 60 और 50 से 55, इसी बीच में आपकी कट ऑफ रहेगी। मैं थोड़ा सा इन दोनों को लेके ये बोल सकती हूँ कि मे बी थोड़ी कम जा सकती है, और ठीक है मैंने आप लोगों को इतना बताया है ताकि आप लोग जो है बिल्कुल भी घबराओ ना। ठीक है, देखो प्री में बैठने का मौका उनको मिल जाएगा जिन लोगों के 115 से ऊपर आ रहे हैं अभी भी। ठीक है, 115 से ऊपर अगर आप लोगों के आ रहे हैं, ग्रेड डी के लिए बोल रही हूँ, ग्रेड सी के लिए नहीं, तो आप लोगों के हाई चांसेस हैं कि आप लोगों को बैठने का मौका जरूर मिलेगा प्री स्किल के लिए। लेकिन जो फाइनल कट ऑफ है वो तो ऑब्वियसली ज्यादा ही जाएगी, ठीक है, आप लोगों को अच्छे से पता है। लेकिन इस बार 2.5 महीने में आप लोगों का प्री है, जिसकी वजह से वो ज्यादा जाएगी। ग्रेड सी की प्री की कट ऑफ क्या जा सकती है, एक बार वो भी डिस्कस कर लेते हैं पहले। ठीक है, यूआर से 120 to 130 ही जाएगी, 125 से लेके, ओबीसी की भी 122 से लेके 126 तक के बीच में ही रहेगी, ईडब्ल्यूएस की 115 से लेके 120 के बीच में रहेगी, एससी की रहेगी 110 से लेके 115, एसटी की 105 से 110, और ओएच और वीएच अपना देख सकते हैं यहाँ पे। ये ग्रेड सी की बता रही हूँ, ठीक है, मैंने ट्राई करा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे नाराज हो जाते हैं कि ओएच वीएच का बिल्कुल नहीं बताते हो, इसीलिए मैंने यहाँ पे इनको इंक्लूड करा है और ट्राई करा है कि मैं जितनी एक्यूरेट रह सकती हूँ इनके साथ में मैं रहूं, कोई कसर ना छोड़ू यहाँ पे। ठीक है, अब हम बात करेंगे फाइनल एक्सपेक्टेड ग्रेड डी की जो कट ऑफ है मेरे अकॉर्डिंग वो क्या रह सकती है। वो रह सकती है जिन भी बच्चों की मार्क्स, मैं यूआर कैटेगरी से बोल रही हूँ, अगर आपको स्टेनो आती है 50 की भी स्पीड है, ध्यान से करके आप लोगों का मैं बता रही हूँ, 133 से 136 के बीच में ही कट ऑफ रहेगी, श्योर हूं मैं इस चीज को लेके। ठीक है, प्लस माइनस इसमें बस 2 कर लो आप, ज्यादा से ज्यादा कट ऑफ जो है वो 130 तक जा सकती है, और ज्यादा होने को बस 137-138 सुपर नहीं जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस बार वक्त बहुत कम है और जिन बच्चों के मार्क्स कम है उनके पास भी एडवांटेज है। ओबीसी की कट ऑफ मैं बताऊं 132 से लेके 135, और ठीक है ईडब्ल्यूएस की 125 से लेके 130, एससी की 112 से लेके 117 के बीच में जा सकती है, एसटी की कट ऑफ जो है 100 से लेके 105 के बीच में ही जाएगी क्योंकि इनकी हर साल कम जाती है। ठीक है, ओएच और वीएच भी अपना अपना देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, उन लोगों के लिए भी मैंने डेटा डाल दिया है इस बार। ठीक है, इस बार की जो कट ऑफ है वो किसी भी हालत में, मैं कहती हूँ किसी भी हालत में 137 प्लस तो क्रॉस नहीं ही करेगी, कोई चांस ही नहीं है उसका क्रॉस करने का। क्यों? क्योंकि आप लोगों को अच्छे से पता है कि इस बार जो है प्री के बाद जो आपको टाइम नहीं मिला है, 2.5 मंथ्स में स्किल जो है वो हुआ है, एंड आई थिंक लास्ट ये 2015 में हुआ था कि जब 90 दिन में, आई गेस 90 दिन भी नहीं थे, शायद 1 महीने 1.5 महीने में ही स्किल ले लिया गया था, तो उस वक्त भी कट ऑफ बहुत कम गई थी। लेकिन उस वक्त के डेटा और आज के डेटा को कंपेयर नहीं करा जा सकता, बिकॉज अब जो बच्चे बैठते हैं वो अच्छे तरीके से बैठते हैं, पढ़ते हैं, मॉक्स देते हैं, पहले इतनी फैसिलिटीज नहीं थी लेकिन अब है। ठीक है, पहले उतना यूट्यूब नहीं चलता था, अब है, तो बच्चे पढ़ते हैं, अच्छे से एग्जाम दे रहे हैं। लेकिन आप ये लेके चलो कि अगर आप लोगों की मेरी बताई हुई कट ऑफ से 3 नंबर कम भी है, मैं कह रही हूँ 3 नंबर कम भी है, तो भी आप अगर आपको स्किल आता है तो प्लीज करो, सिर्फ 2.5 महीने की बात है। देखो, अगर ऐसा भी हुआ कि स्किल करने के बाद बाई चांस आपका नाम ना आए तो भी आपको स्किल आती ही है। आप देखो, एक एग्जाम्पल देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, अगर आपको स्किल आती है तो आप रोज 3 से 4 घंटा भी डिवोट करोगे और आप अलग से 3 से 4 घंटा 2023 के लिए पढ़ोगे तो कोई नुकसान नहीं है, मात्र 2.5 महीने की बात है। ये करने के बाद आपको जो बचा हुआ स्किल का टाइम था वो यही देना है अपने 2023 में, भूल जाके कि इसमें क्या हुआ है ना। लेकिन मैं इतना तो कह सकती हूँ कि वैकेंसीज के हिसाब से, क्योंकि 2100 प्लस वैकेंसीज है, और अगर माई चांस ये ले लो, अगर ये वैकेंसीज 2500 टच करती है,
25 टच करती है तो यही कट ऑफ 130 भी जा सकती है, 129 भी जा सकती है, मैं यूआर के हिसाब से बता रही हूँ। इस बार कट ऑफ सच में बहुत कम जाएगी, तो प्लीज इस चीज का आप लोग अच्छे से ध्यान रखना। ग्रेड सी की मैं कट ऑफ बता रही हूँ, ये आप लोगों की फाइनल एक्सपेक्टेड है, ये भी 149 तक ही टच कर पाएगी, 144 या 144 प्लस अगर आपके नंबर हैं, तो मैं कहती हूँ आप ग्रेड सी के लिए भी तैयार हो जाओ, आपके चांसेस बहुत आई हैं। देखो एसएससी ने ना अभी तक ग्रेड सी और डी की अलग अलग कट ऑफ सॉरी वैकेंसीज दी नहीं है, तो हम कह नहीं सकते, लेकिन हाँ ग्रेड सी की कमी कट ऑफ होती है तो ऑब्वियसली सी बात है ग्रेड सी की। ये ओबीसी भी देख ले और ईडब्ल्यूएस भी अपना अपना ये देख सकते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली यही कट ऑफ जाएगी ग्रेड सी हो और डी हो दोनों की, आप अपने आप देख सकते हो ठीक है, क्योंकि ग्रेड सी की जो है वो बहुत कम लोग बता पाते हैं, लेकिन मैं इतना बोल सकती हूँ कि 149 प्लस नहीं जाएगी इस बार ठीक है। हाँ अगर आपको होम स्टेट चाहिए, आपका मन है कि आपको वेस्ट बंगाल में ही रहना है, आपको दिल्ली में ही रहना है, आपको बैंगलोर ही जाना है या आपको मुंबई ही चाहिए, तो अलग बात है कि आप ट्राई करो कि अगर आपके 150 152 से ऊपर है तो बहुत ही अच्छे नंबर है, मतलब आपकी पक्का है इस बार जॉब, बस शर्त यह है कि आपकी जो स्पीड हो वो अभी से कम 80-90 हो, ताकि 2-2.5 महीने में आप उसे 110-120 लेके चलो, क्योंकि गाइज अगर आप 80 की स्पीड के लिए जा रहे हो तो आपकी स्पीड एटलीस्ट 100 तक होनी चाहिए, और अगर आप 100 के लिए जा रहे हो तो एटलीस्ट आपकी स्पीड 110-115 होनी चाहिए, बिकॉज वहां पे फ्लक्चुएशन होती है। 2020 में बहुत सारे बच्चों का कहना है कि ग्रेड सी की फ्लक्चुएशन 115 तक थी और ग्रेड डी की 80 फ्लक्चुएशंस 90-95 तक थी, तो इस बात को कंसीडर कर लेना, 19 में भी फ्लक्चुएशंस 10-10 ज्यादा ही थी, तो अगर आप 80 को 80 लेके चलोगे तो क्लियर करना बहुत मुश्किल है, और इस बार गोल्डन अपॉर्चुनिटी आप लोगों के लिए, प्लीज उसे मिस मत करो, क्योंकि इस बार फिर आप रेग्रेट ही करोगे ठीक है। बाकी टेस्ट बुक के लिए आप मॉक टेस्ट में यूज कर सकते हो एक्सीएल B6R, और ये सारा डेटा जो है ये ऑब्वियसली मैंने जो कलेक्ट करा है उस पर है, थैंक यू सो मच एनालिसिस में पार्ट लेने के लिए, और मैं अभी भी बोल दूं जितनी मैंने एक्सपेक्टेड बताई है उससे अगर आपके 3 नंबर 4 नंबर कम भी है तो आप लोगों को शॉर्ट हैंड आती है, तो प्रैक्टिस करते रहो, छोड़ो मत, 2.5 महीने की बात है, 2.5 महीने कब निकल जाएंगे पता नहीं चलेगा। ग्रेड सी और डी के लिए केसी चलती है इंग्लिश में और रामधारी गुप्ता खंड चलती है हिंदी में, आप वो देख सकते हो, उसके लिए बेटर बच्चे आपको गाइड कर सकते हैं जो स्किल कर रहे हैं ठीक है। जितना मुझे पता है मैं उतना बता सकती हूँ, ज़्यादा मुझे स्किल का इतना आइडिया नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ आप लोगों को कि डेफिनेटली श्योरिटी के साथ मैं बोल सकती हूँ कि आपकी कट ऑफ बहुत कम जाएगी इस बार। 2020-19 डेटा सब फेल है, 18 की बात करें 18 की कट ऑफ कम गई है ठीक है, लेकिन लेकिन आपको 9 मंथ्स दिए गए थे अप्रोक्सीमेटली स्किल के लिए, पहले आपका स्किल कभी था फिर पोस्टपोन हो गया था, जिसकी वजह से हम उसे भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर बाई चांस 1% ये स्किल पोस्टपोन होता है और ये फरवरी की जगह मार्च में जाता है या अप्रैल में जाता है तो थोड़ी कट ऑफ बढ़ सकती है, ये फैक्ट है, इस बात को एक्सेप्ट कर लो ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, आई होप आधे घंटे की वीडियो हो गई है, बाकी हम मिलते रहेंगे आने वाली वीडियोस में, अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर, एंड आई रियली होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, प्लस आप लोगों को अच्छी लगी होगी, टेक केयर।